परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण परब्रह्म राम कृष्ण परमधाम राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। हम लोग श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग का गुरुभाव पूर्वार्ध हिंदी अनुवाद में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग शब्द का अर्थ देखा, गुरुभाव का अर्थ देखा, क्यों पहले गुरुभाव होता रहे ये भी देखा और उसका जो ग्रंथ परिचय है वो हम लोग पढ़ रहे थे। दो चार लाइनें उसकी पढ़ने बाकी है तो उसका जो अंतिम परिच्छेद है वहां से हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। यह कहना शायद अत्युक्ति न हो, क्या ये क्लॉज जो है ना ये आखिरी में वाक्य के आएगी कि श्री राम कृष्ण चरणाश्रित पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। इसको याद रखिए कि श्री राम कृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी जी के गुरु भाई इस तरह से देखते थे। हम श्री राम कृष्ण को फुला करके बड़ा बनाने के लिए जगत गुरु स्वामी विवेकानंद जगत वंद्य उनके गुरु थे, इस तरह से समझ में नहीं आता कोई चीज। इसलिए यथार्थ में जो वर्णन है वो सागदानंद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण चरणाश्रित पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी द्वारा धर्म प्रचार किए जाने के बाद से श्री राम कृष्ण देव के जीवन वृत्तांत को समझने के लिए, जानने के लिए कह सकते हैं, सर्वसाधारण के आग्रह को देखकर इस समय, यद्यपि अनेक व्यक्तियों ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है फिर भी, यानी अपने ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पर स्वामी सर्वानंद जी ने, उस अलौकिक जीवन के साथ, वो जीवन लौकिक नहीं है कि साधारण आदमी उसको पहचान करके कुछ बोल दे। सनातन हिंदू या वैदिक धर्म का जो गूढ़ संबंध है, सनातन जो कभी बदलता नहीं, हिंदू सिंधु नदी के इस पार बसने वाले लोगों का धर्म, प्रत्यक्ष नाम वैदिक धर्म, वेदों को मानने वाले विभिन्न संप्रदायों का धर्म, इनका जो गूढ़ संबंध है, यानी ऊपरी सतह पर नहीं दिखता, भीतर जाने पर दिखेगा, उस विषय में अभी तक किसी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए उसका कोई विवेचन नहीं किया है, यह कहना शायद अत्युक्ति न हो। फलतः उन पुस्तकों के पढ़ने से इस प्रकार की विपरीत धारणा ही मन में उत्पन्न होती है, सही नहीं है जो उत्पन्न होती है, उल्टी, कि मानो श्री राम कृष्ण देव सनातन धर्म से कोई पृथक व्यक्ति थे। सनातन धर्म जो चला आ रहा है बराबर धर्म, उससे
पृथक अलग थे। कैसे अलग थे? तथा सांप्रदायिक मत विशेष की सृष्टि के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। विशिष्ट संप्रदाय सनातन धर्म से बाहर, व्यक्ति विशिष्ट कहिए, ऐसी गलत धारणा होती है। ये तो अनर्थकारी हो जाएगी, क्योंकि हम तो सनातन वैदिक या हिंदू नाम वाले धर्म से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही उनमें अनेक ग्रंथों में मुश्किल तो यह है ना, यहां पर कैसे भी प्रेजेंट करो उनको, पर सही करो ना। साथ ही उनमें से अनेक ग्रंथों में श्री राम कृष्ण देव के जीवन की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वह भी अनेक अनेक भ्रम प्रमादों से पूर्ण है, क्योंकि स्वामी शारदानंद जी तो हर चीज को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भ्रम प्रमादों से, माने उसका अर्थ भी उल्टा पुल्टा और घटना भी सही नहीं, ऐसे हैं वो। रहे अवशिष्ट ग्रंथ, यद्यपि ये बहुवचनीय उल्लेख है, फिर भी इसका तात्पर्य हमें केवल श्री राम कृष्ण वचनामृत से दिखता है, क्योंकि इनसे अलग है वो। अवशिष्ट माने इनसे अलग, तो इनसे अलग माने जिसमें भ्रम प्रमाद नहीं, और जो सनातन हिंदू धर्म से अलग भी नहीं बताएंगे ऐसे। तो ऐसा पुस्तक एक ही हमारे नजर में है जिसमें कोई गलती किसी प्रकार की होनी संभव ही नहीं है, और वो है मास्टर महाशय का श्री राम कृष्ण कथामृत या वचनामृत। क्योंकि कहीं कहीं पर स्वामी शारदानंद जी ने कहा है और उसमें से उठा करके भी रख दिया है, उद्धृत भी क्या है उसमें से। तो उनमें गड़बड़ क्या लगी थी आपको? उनमें उनके जीवन वृत्तांतों के वास्तविक तात्पर्य क्रम तथा पूर्वापर संबंध विद्यमान नहीं है। ये कोई मास्टर महाशय के ग्रंथ की निंदा नहीं है, मास्टर महाशय के ग्रंथ की कमी भी नहीं बता रहे हैं। उसका जो उद्देश्य है उसके अनुसार उन्होंने लिखा है। उसका उद्देश्य है कि श्री राम कृष्ण देव के जीवन की पुंखानुपुंख जो कहा ना, अत्यंत विस्तृत रूप में घटनाओं का उल्लेख करना। अंग्रेजी में एक हो गए जॉनसन, बड़े साहित्यकार, और उनको पास से जिसने लिखा था बॉसवेल, तो बॉसवेल ने उनकी जीवनी लिखी, तो उसके बारे में अल्डस हक्सले कह रहे हैं इसके साथ तुलना करके कि जीनियस इन आर्ट इज रेयर, और उस जीनियस को इतने पास से देखने वाला रेयर, और उसने लिखी हुई पुस्तक बड़े महत्व की होती है, जैसे इस गॉस्पेल को हम देखते हैं श्री राम कृष्ण देव जैसे आर्ट, आर्ट की एक ब्रांच, उसमें जीनियस इज रेयर, और उनको इतने पास से देख करके लिखने वाला भी रेयर, ये उन्होंने गॉस्पेल के बारे में कहा। यानी जो प्रत्यक्ष दर्शी के नजरों में सारी घटनाएं आई हैं उनका उल्लेख रेयर। तो इसलिए स्वामी शारदानंद जी ने उस पुस्तक में कुछ भी नीचा दिखाने की या वो कम है ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं की। सवाल यहाँ पर है कि वो पुस्तक लिख रहे हैं क्यों और उसका उद्देश्य क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने उसको अलग बताया। इसलिए कह रहे हैं कि उसमें तीन बातें हमको नहीं मिली, वास्तविक तात्पर्य नहीं मिला, यानी कोई उल्टा पुल्टा तात्पर्य नहीं है, पर तात्पर्य दिया ही नहीं है तो उनका वो काम ही नहीं था। कहीं कहीं चलते चलते जैसे रिफ्लेक्शन जैसे दे दिए, अरे ये तो अवतार दिखते हैं, इनका तो ऐसा अर्थ दिखता है वैसा अर्थ दिखता है, इसको छोड़ करके उन्होंने उसका अर्थ तात्पर्य बताने की कोशिश नहीं की। तुम लोग पढ़ो
और क्रम, क्रम माने अब एक ही दिन अलग अलग लोग, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मास्टरमाइंड की, अत्यंत इम्पोर्टेंट कि किस परिस्थिति में कहां बैठ करके क्या बोला है, ये तो ठीक है, इस व्यक्ति से ये बोला है, इस व्यक्ति से ये बोला है, इसका हर बार उनके उल्लेख किया हर बार, तो उस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में वो है, इस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में ये है, तो क्रम कैसे होगा उसमें, क्रम होने का सवाल ही नहीं आ रहा वहां पर। और हमारे लिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, हम कोई भी वाक्य कथामृत को उठाकर एकदम यूनिवर्सलाइज कर देते हैं उसको, ठाकुर ने ये कहा है, ठाकुर ने उस व्यक्ति से वो कहा था, तुमसे हमसे नहीं कहा था, स्वामी विवेकानंद से जो बात कर रहे थे वो दूसरों के लिए नहीं थी, कहा भी है ठाकुर ने कही थी, ये तो हम दोनों के बीच में हो गया, तुम लोगों मत सुनो। तो इसलिए ये बहुत महत्व की बात मास्टर महाशय ने की है, पर हम साधारण पढ़ने वालों के लिए क्रम नहीं मिलता उसमें। और पूर्वापर संबंध यानी क्रम इसको भी कह सकते हो, या जैसे कहा कि इसके बाद क्या आया, स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कहा, स्वामी विवेकानंद को उसके बाद क्या आया, उसके लिए ढूंढो, कहीं मिलेगा भी नहीं कभी कभी तो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद आए फिर 2 महीने बाद, अब बीच में उनसे श्री रामकृष्ण देव की मुलाकातें कई जगह हो गई, गॉस्पेल में नहीं है वो, गॉस्पेल वाले मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पीछे पीछे नहीं घूम रहे ना, शनिवार रविवार को या छुट्टी के दिन आते हैं दक्षिणेश्वर में, और कलकत्ते में जब ठाकुर जाते तो चले ही जाते उनके पास, परंतु ऐसा क्रम कहां से आएगा उसमें। और पूर्वापर संबंध कहा कि दोनों प्रकार से, इस वाक्य का इस वाक्य का संबंध, और एक घटना हुई उसके बाद उसका क्रम क्या हुआ, उसका संबंध कहां से आया। उदाहरण के रूप में मैंने एक बात बताई थी उसके याद रखो कि सारदान स्वामी जी का लिखने की शैली बिल्कुल अलग है, उनको हमारे जीवन में किसी वस्तु पर किसी घटना पर श्री राम कृष्ण देव के संबंध में पूरा का पूरा एक साथ देना। तो गोपाल के मां का एक घटना इसमें लीला प्रसंग में आई, क्या घटना आई, बलराम बाबू के घर ठाकुर 2-3 दिन के लिए गए थे, समय था काफी, 2-3 दिन वहीं रहने वाले थे, तो उन्होंने गोपाल की मां की खूब तारीफ शुरू कर दी उनके घर के औरतों के सामने, और टाइम है ना, कोई उनको ला सकता है क्या, ऐसा उल्लेख किया। तो बलराम बाबू ने अपनी गाड़ी भेज दी, वो वहां पर आई, वो घटना है, वहां पर आई तब से क्या हुआ वो घटना है, और उसको उतना उल्लेख करके उसके पहले स्वामी शारदानंद जी ने गोपाल की मां का जन्म, उनका बाल विधवा होना, वहां रहना, 30 साल तक साधना करना, वहां की मालकिन से उनकी दोस्ती, इन दोनों का ठाकुर के पास पहली बार आना, वो पहली बार नहीं था, पहली बार आना, ठाकुर ने क्या उनसे कहा, वहां से ठाकुर के साथ क्या संबंध बनते गए, उनके जीवन में पहला दर्शन कब हुआ, और तब ये घटना बताई। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाद में उनके अंतिम दिनों में निवेदिता के घर में रही, निवेदिता की सेवा लेती रही, अपने को सन्यासिनी मानती थी, गेरुआ पहनती थी, और निर्वाण हुआ उसके बाद निवेदिता ने कीर्तन कराया, यहां तक का वर्णन एक साथ कर दिया पूरा। तब हमारे मन पे सवाल क्या था, वहां श्री राम कृष्ण का दिव्य भाव भक्तों की नजर में, तब दिव्य भाव समझ में आएगा, तो वो दिव्य भाव इसके जीवन में कैसा फलित तो हुआ, उसके लिए हमने सारा एक साथ पढ़ लिया। उसके बाद अगली घटना लेंगे, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण देव पहले गए बलराम बाबू के घर में रह सके दिन, फिर आते में वो शेषधर से मिलने गए, फिर शेषधर उनसे मिलने आए थे, फिर ये पूरा वर्णन वहां 2 चैप्टर्स में करना है, और उसमें यह घटना जब आई तो उसका पूरा वर्णन कर दिया,
फिर शशधर की बात शुरू की कि शशधर पहले कब आए थे, स्वामी विवेकानंद के कहने से श्री रामकृष्ण उनसे मिले थे, फिर वह कैसे इन्फ्लुएंस हुए, फिर दूसरी बार कैसे, ये शुरू कर दिया। तो इसलिए एक किसी घटना का क्रम पूर्वापर प्रसंग, ये लीला प्रसंग की स्टाइल है और ये गॉस्पेल में नहीं मिली, मिलेगी ही नहीं। इसलिए होता रहे कि हम तो इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि वही श्री राम कृष्णदेव का व्यक्तित्व, अगर दिव्य भाव है तो श्री राम कृष्णदेव का व्यक्तित्व भक्त के नजर में कैसा आया, उसका प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ा, ये हमको सिखाना है। और वो जो मैंने प्रसंग बताया अभी गोपाल कुमार वाला, वो गुरुभाव उत्तरार्ध के आखिरी में उन्होंने एक चैप्टर लिखा कि गुरुभाव ही जब घनीभूत हो जाता है तो दिव्य भाव हो जाता है। दिव्य भाव की एक झलक देख लें करके गोपाल की माल लाई। बाद में जब उनको समय मिला तब उन्होंने पूरा दिव्य भाव बताने के लिए स्वामी विवेकानंद को सामने ला करके श्री राम कृष्ण देव का दिव्य भाव और नरेंद्र नाथ ऐसा ग्रंथ लिखा। तो इसलिए उनकी लेखन शैली, हम एक आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। अगर गॉस्पेल को हमने वेद कह दिया तो लीला प्रसंग को वेदांत कहना पड़ेगा। इसमें भी सारी साधनाएं शुरू से आखिरी तक बताई गई है। तो इसलिए ये विशेषता बताने के लिए ये गॉस्पेल का उल्लेख किया आवश्यक था क्योंकि उसमें ब्रह्म प्रमाद नहीं है। अगर तुमको बिना ब्रह्म प्रमाद का पढ़ना है तो पढ़ो ना गॉस्पेल। परंतु होता क्या है, सर्वसाधारण के इस अभाव, अब ये सर्वसाधारण का अभाव हो गया क्योंकि उसको पूर्वापर संबंध चाहिए, क्रम चाहिए, उसका अर्थ चाहिए। ये अभाव दूर करने के लिए अभाव को यथाशक्ति दूर करने के निमित्त, क्योंकि सरदान समझिए ये नहीं कह रहे कि मैं सारा का सारा अभाव दूर कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देव का पूरा समझा दूंगा, ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे। जितना मैं कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। उन्होंने फिर गुरुवा उत्तरार्ध के प्रिफेस में लिखा भी है कि किसी ने आपत्ति की कि आप ऐसा क्यों कर रहे, केवल घटना क्यों नहीं बता रहे, आप अपनी नजरों में जितना उतना ही क्यों बता रहे हमको, हम देख लेंगे, ऐसा उल्लेख किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो ये साधना पर निर्भर करता है, हमसे अधिक साधना जिसकी होगी उसको हमसे ज्यादा समझ में आएगा, हम जहां जुड़ते हैं, पर हमें साधना के द्वारा जितना समझ में आया है उतना हम प्रस्तुत कर रहे, इससे आप लोगों को मदद होगी। ये उनका यानी ऑब्जेक्टिविटी कहते, इतनी ठूस ठूस के भरे गई इस आदमी में, कोई भी क्लेम नहीं करता बेकार को। कई बार बड़ी प्रबल इच्छा हो जाती है कि इस पार्ट को देखना है। सर्वसाधारण के इस अभाव को यथाशक्ति दूर करने के निमित्त उनके महान तथा उदार जीवन के बारे में, तो कल हम लोगों ने देखा महान माने तो सभी दृष्टि से महान है वो, और उदार यानी पैसे देने के लिए ये उदारता नहीं, वो भी थी श्री राम कृष्ण देव में, सभी लुटा दिए उन्होंने, पर यहाँ उदारता का सवाल है कि मन की व्यापकता, साधना कितने प्रकार की, कितने प्रकार से लोगों के हर भाव के अनुसार बात कर रहे थे, ये उदारता उनकी, उदार मतावलंबी कहते हैं उसको। नहीं, उदार का एक अर्थ हम लोगों ने ये दानशील यही पकड़ के रखा है ना, इसलिए
नहीं तो गीता में भी उदारा सर्व है वही थे, यानी श्रेष्ठ जीवन के बारे में हमें जो कुछ यहाँ अनुभव, छोड़ दीजिए जीवन के बारे में हमें उपलब्ध हो तो अगले सेंटेंस में, इसलिए उनका मद उदार जीवन हमारे सामने जिस प्रकार प्रतिभात हुआ है, हमारे सामने कैसे अभिव्यक्त हुआ है उनका मत उदार जीवन, देखते हुए सब लोग नहीं देख पाते ना, और उसका परिणाम क्या हुआ है। तथा जिन भावों की उपलब्धि कर स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोगों ने उनके श्री चरणों में आत्मसर्ग किया है, तो ये ग्रुप उन्होंने अलग निकाला है सारी दुनिया से, स्वामी विवेकानंद प्रमुख हम लोग, उसी का कुछ अंश पूरा नहीं बता पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के पदानुगामी बनकर, यानी स्वामी विवेकानंद ने श्री राम कृष्ण देव को जैसे पहचाना है उसके अनुसार हमने इस ग्रंथ में व्यक्त करने का प्रयास किया है। ये पूरे ग्रंथ का प्रयोजन विषय वस्तु ये हो गई, शैली ये सारा यहां पर बता दिया। अब इस संबंध में हमने कहा था कि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, सूक्ष्म हो गया, यानी क्या समझा आप लोगों ने, क्यों आत्मसर्ग किया है। इसके लिए मैंने कहा कि हम लोगों ने श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग के द्वितीय भाग में से, अबे भाग तो फालतू जैसे हो गए ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए, गुरुवा पूर्वार्ध के बाद गुरुवा उत्तरार्ध, और उस गुरुवा उत्तरार्ध की समाप्ति पर एक परिशिष्ट है, यानी उसका आवश्यक भाग है वो, पर प्रत्यक्ष भाग नहीं है इसलिए परिशिष्ट है। और इस परिशिष्ट में श्री राम कृष्ण देव के द्विसप्ततितम जन्मोत्सव के उपलक्ष में सन 1314 बंगाली सन है वो, साले छ क्षेत्र बेरूर मठे आहूत सभा पठित प्रबंध मैंने लिख के ले गए और वो पढ़ाए वहां पर उन्होंने। तो इसमें ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप में मिलेंगी। कल हम लोगों ने खाली आखिरी वाक्य देखा था, आज उस प्रसंग को हम पढ़ते हैं। बंगाली में पेज नंबर मांगा है किसी ने, तो बंगाली में उत्तरार्ध के अंत में देख ले, और हिंदी में मैं शुरू से पढ़ता हूं। श्री राम कृष्ण देव का मानव भाव, ये हेडिंग दिया उन्होंने, क्यों दिया है, हमने देखा ना कि अवतार आता है तो एक आदर्श मानव बन के आता है, और हमें, हम मानव है, हम उस आदर्श को कहां तक फॉलो कर सकते हैं ये देखना, और उस मानव में हमसे ये मानव भाव क्या है मालूम है, कि उनको देव वगैरह मत मानो, मानो तो क्या स्पेशलिटी उस मानव की वो देखो, और वो हम फॉलो कर सकते हैं पूरे रूप में कभी नहीं, परंतु उसका अनुसरण हम कर सकते हैं, वो देव है, हम कैसे देव बन जाएंगे, पर वो मानव हो के आए हैं तो मानव को उन्होंने क्या दिखाया है वैसे हम बन सकते, ये प्रसंग वहां पर लिया है उन्होंने। तो वो कह रहे हैं श्री राम कृष्ण देव की योग विभूतियों की बातों को सुनकर ही साधारण लोगों की उनके प्रति भक्ति, ये पैरा हेडिंग है। भगवान श्री राम कृष्ण देव के देव भाव के संबंध में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, यानी देव कैसे, भगवान कैसे, इस बारे में बहुत से लोगों के विश्वास श्रद्धा तथा निर्भरता का कारण अनुसंधान करने पर विदित होता है कि श्री राम कृष्ण देव की योग विभूतियां ही इसके मूल में विद्यमान है देव भाव के प्रभावित होने के। माने क्या, तुम क्यों उन्हें मानते हो, इस प्रश्न के उत्तर में लोग प्रायः यही कहते हैं कि भागीरथी के तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे हुए श्री राम कृष्ण देव बहुत दूर पर घटने वाली घटनाओं को देख लेते थे, स्पर्श के द्वारा दुस्साध्य व्याधियों से कभी लोगों को मुक्त कर दिया करते थे, देवताओं के साथ भी
इकट्ठा किया यहाँ पर है। देवताओं के साथ भी उनकी सदाई बातचीत हुआ करती थी तथा उनकी वाणी इतनी अमोघ थी कि उनके श्रीमुख से जब कभी कोई असंभव बात भी निकल जाती तो उस समय बाह्य प्रकृति की घटनाएं भी ठीक उसी प्रकार परिवर्तित तथा नियंत्रित हो जाया करती थी। दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राजकीय आज्ञा से प्राणदंड होने वाले व्यक्ति को मथुरा के ऊपर संकट आ गया था, उनके सेवकों को और शत्रु पक्ष के सेवकों को झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई और कोई मर गया उसमें, तो इनके कहने से मर गया इसलिए वो सजा होने वाली थी उनको। और श्री राम कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, बोले तू कुछ भी करेगा और मेरे पास आएगा अपना भुगत ले, पर उन्होंने फिर कृपा करके उसको बचा लिया था। उस घटना का उल्लेख है। दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राजकीय आज्ञा से प्राणदंड होने वाले व्यक्ति को भी उनकी कृपा कणिका तथा आशीर्वाद के फलस्वरूप आसन्न मृत्यु से न केवल छुटकारा ही मिला अपितु विशेष सम्मानित होते भी देखा गया। मैंने उनका कोई दोष नहीं था, ऐसा ऐसा होकर उनको रिस्पेक्ट मिला वहां पर, उल्टा हो गया जरा। तो देखने वालों को जिनको पता था तो उनको तो यही हुआ ना कि श्री रामकृष्ण ने बचा लिया। अथवा ये भी प्रसंग मथुर हो गई, लाल फूल खिलने वाले पौधे में सफेद फूल खिलते हुए भी लोगों ने देखा है। ये तार्किक रूप में मथुर से चर्चा हुई थी कि श्री राम कृष्ण देव प्राकृतिक नियम नाम की चीज नहीं मानते थे, ईश्वर की इच्छा से घटनाएं होती है। तो मथुरा बाबू कह रहे हैं कि ठीक है, वो भी हम भी मानते हैं कि ईश्वर ने नियम बना दिए, और ईश्वर ने नियम बना दिए तो ईश्वर को भी वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो श्री राम कृष्ण तो ये कैसी बात है, ईश्वर ने बनाए तो ईश्वर बदल देगा। तब मथुरा बाबू ने कहा अच्छा, वो सफेद फूल जिसमें आते उसमें केला फूल खिला देगा, तो श्री राम कृष्ण का खिला भी सकता है। और दूसरे दिन या कुछ घंटे बाद बाहर से आते में उन्होंने एक ही डाली पर सफेद फूल और लाल फूल देखे, वो डाली काट के ले आए ली। तो मथुरा ने कहा हार मान ली बाबा आपसे। अथवा केवल लाल फूल खिलने वाले पौधे में, मैंने पूरा पौधा लाल फूलों से भरा हुआ है पर एक डगाली ऐसी उसमें भी लाल फूल है सफेद फूल। अथवा केवल लाल फूल खिलने वाले पौधे में सफेद फूल खिलते हुए भी लोगों ने देखा है। अब इसके ऊपर से कौतुक करते, आज हमारे देश में दुनिया में गॉडमैन गॉडमैन जो कहलाते वो चमत्कार कुछ दिखा करके तो करते हैं, मैं श्लोक लट्टू, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अथवा कोई कहते हैं अगली सीढ़ी ये स्थूल रूप में था सारा योग विभूति है। अथवा कोई कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव सबके मन की बात जान जाते थे, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि प्रत्येक मानव शरीर के स्थूल आवरण को भेद कर उसके मानसिक चिंतन बनावट तथा यहां तक कि उसकी प्रवृत्तियों को भी देख लेती थी। तीन बातें मेंशन की इसमें, मानसिक चिंतन अभी क्या चिंता कर रहा है, बनावट मन का ओवरऑल गठन क्या है, और प्रवृत्ति मन के झुकाव किस तरफ है, ये सारा देख लेते थे, खूबी देख लेते थे। उनके कोमल हस्त के स्पर्श मात्र से चंचल चित्त भक्तगण की आंखों के समक्ष उनकी इष्ट मूर्ति आदि का आविर्भाव होने लगता था। उनकी इष्ट मूर्ति मैंने श्री राम कृष्ण को नहीं कह रहे, उस भक्त की जो इष्ट मूर्ति हो, मन चंचल है वो विष्णुमूर्ति दिखती नहीं टिकती नहीं, श्री राम कृष्ण ने स्पर्श कर दिया अब दिखने लगी। अथवा उन्हें गहरा ध्यान लगने लगता था, किसी किसी को ये मूर्ति वगैरह नहीं देखनी ध्यान कर रहे, गहरा ध्यान लग गया उनके स्पर्श से। एवं अधिकारी विशेष के लिए निर्विकल्प समाधि का द्वार तक उन्मुक्त हो जाता था, सबके लिए नहीं पर उस वहां तक जो पहुंचा हुआ है उसके लिए निर्विकल्प समाधि,
इसको भी सारनाथ स्वामी जी योग विभूतियों का दर्शन कह रहे। कोई कोई ये भी कहते हैं इन सबसे अलग निकाले, कोई ये कल पढ़ा था। कोई कोई ये भी कहते हैं क्यों उन्हें मानता हूं ये नहीं जानता, परंतु उनमें ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा अपूर्व और साथ ही सर्वांग पूर्ण आदर्श मैंने देखा है जैसा किसी जीवित या परिचित मनुष्य की तो कौन कहे। वेद पुराण आदि में वर्णित जगत पूज्य पुराण भी लाए क्योंकि अवतार इतने अधिक वर्णन है ना, मैं वर्णित जगत पूज्य आदर्श महापुरुषों में भी नहीं पाया जाता। फैक्ट, ये महापुरुष भी मेरी आंखों में उनकी अपेक्षा ही न प्रभ हो जाते हैं। मेरी आंखों में होते कहा तो फिर का यह मेरे मन की भ्रांति है तो अन्य कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है मैं क्या करूं, परंतु मेरी आंखें उसी उज्ज्वल प्रभा में चकाचौंध हो गई हैं तथा मन उनके प्रेम में सदा के लिए मग्न हो चुका है। प्रेम उत्पन्न हुआ है, मग्न हो चुका है, अब उसको वहां से लौटाने का प्रयास करने पर भी वह लौटता नहीं है, समझाने पर भी वह समझना नहीं चाहता। ज्ञान युक्ति तर्क पता नहीं कि किधर भय गए हैं। मैंने स्वामी सारनाथ जी की विश्लेषण शक्ति इतनी जोरदार है पर वो कह रहे कि ज्ञान युक्ति तर्क पता नहीं किधर बह गए हैं। बस केवल इतना ही मैं कह सकता हूं। अब ये एक बार बंगला में देख लें कि सारा अवतरण चिन्ह में था क्या। मैंने इसके बाद जो गाना दिया है वो स्वामी विवेकानंद का है। अब ये सारा ही कथन स्वामी विवेकानंद है क्या। नहीं, बंगला में देखो उद्धरण चिन्ह नहीं है, जब गाना आया है वहां उद्धरण चिन्ह दिया है। तो ये विवेकानंद प्रमुख हमारा मिले, विवेकानंद प्रमुख हम लोग कहा है ना, तो उनकी सबकी बात है। अब ये क्या है कि कोई कोई ये भी कहते हैं इसके लिए उद्धरण चिन्ह दिया है। बस केवल इतना ही मैं कह सकता हूं यहां उदाहरण चिन्ह द्वारा। ये स्वामी विवेकानंद का एक कविता है, बंगाली में गाई गीत सुनाते तमाय। मैंने ठाकुर को ही सुना रहे, ठाकुर को प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुना रहे, बाद में बनी हुई कविता है ये, पर ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, दास हूं तुम्हारा जन्म जन्म का मैं, गति में तुम्हारी नहीं जानता हूं, अपनी गति वह भी नहीं, कौन चाहता भी है जानने को, भुक्ति मुक्ति भक्ति आदि जितने हैं जप तप साधन भजन सब आज्ञा से तुम्हारी दूर मैंने कर दिए हैं, एकमात्र आशा पहचान किए लगी हुई इससे भी करो पार। मैंने नहीं पहचान सकूंगा तुमको, आशा ही निकाल दो मेरी। ठीक है, आता यह स्पष्ट है कि शेषोक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी साधारण लोग स्थूल बाह्य विभूति अथवा सूक्ष्म मानसिक विभूति, विभूति माने स्पेशल पावर मिरेकल पावर के कारण ही उनके प्रति भक्ति विश्वास करते हैं तथा उन पर निर्भर रहते हैं। स्थूल दृष्टि संपन्न मानवों की यह धारणा है कि श्री राम कृष्ण देव को मानने से उनके रोग आदि दूर हो जाएंगे अथवा संकट विपत्ति आदि के समय बाह्य घटनाएं भी उनके अनुकूल ही नियंत्रित होती रहेंगी। स्पष्टतया स्वीकार न करने पर भी ये स्पष्ट है, मुंह से ऐसा नहीं बोलेंगे, उनके भीतर इस प्रकार की स्वार्थ परायणता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है यह अनायास ही अनुभव किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कुछ एक सूक्ष्म दृष्टि संपन्न मानव श्री राम कृष्ण देव को इसलिए मानते हैं कि उनकी कृपा से उन्हें दूरदर्शन आदि विभूति की प्राप्ति होगी,
तथा उनके लीला सहचर होकर वे भी गोलोक आदि स्थान में अभी रामबाबू विवरण शुरू हो गया तथा उनके लीला सहचर होकर वे भी गोलोक आदि स्थानों में निवास कर सकेंगे अथवा उन्हें मानने का यह भी कारण लास्ट यह भी कारण है कि उनसे कुछ अधिक समुन्नत दृष्टि प्राप्त होने पर समाधिस्थ हो उन्हें जरा जन्म आदि बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी मुक्ति लिए भी श्री राम कृष्ण जो के पास आने का स्वार्थ पड़ते हैं सर्वोच्च स्वार्थ। अतः यह भी सहज हृदयंगम किया जा सकता है कि इस प्रकार अपनी स्वार्थ सिद्धि की भावनाएं उनके विश्वास के मूल में नहीं थे। फिर कह रहे हैं सत्य होने पर भी इन विषयों की आलोचना हमारा ध्येय नहीं है क्योंकि सकाम भक्ति उन्नति की बाधक ऐसी देखी सकाम ही सारी भक्ति है। श्री राम कृष्ण देव की देव विभूतियों के इस प्रकार अनेकानेक निदर्शन प्राप्त होने पर भी मैंने इसको डिनाई नहीं कर देखो ये है हमें भी मालूम है हम भी देखते हैं ये अथवा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि ही के लिए जिसका प्रयोजन है वह सकाम भक्ति भी उनमें अर्पित किए जाने पर विशेष कल्याणकारक बन जाए मैंने इसको दोष नहीं दे रहे विशेष कल्याणकारक बन जाती है इसमें किसी तरह का संदेह न रहने पर भी इन विषयों की आलोचना आज के इस निबंध का उद्देश्य नहीं है। उनके मानव भाव के चित्र को कथनचित अंकित करने का प्रयास ही आज हमारा ध्येय है। पूरा उसका वर्णन किया है वहां पर। तो यहां पर जो उन्होंने कहा इसका तात्पर्य यह है। अब इसके आगे का नहीं पढ़ा था कल हमने यही तक रुके थे ठीक है। उसी का कुछ अंश स्वामी विवेकानंद जी के पदानुगामी बनकर हमने इस ग्रंथ में व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैंने यहां बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमने अपने जीवन में कुछ आदर्श मन में संजोए थे और उसके एक शत प्रतिशत की कल्पना की थी किंतु श्री राम कृष्ण के पास आए तो देखा हमारी कल्पना ही नीचे रह गई। अगर उसको 100% को है तो 200-250% है ये कहा था। तो वो चीज यहाँ पर उन्होंने बताई। यानी कहने का मतलब है हमें उनके भक्ति करके ये पाना है वो पाना है ऐसा नहीं है हमारा व्यू। हमें आदर्श देखना है मनुष्य जीवन में कैसे आदर्श उपस्थित होते ये देखना है ये व्यक्तित्व प्रदान कर रहा है वो गुरुभाव में। पाठकों से निवेदन है कि श्री राम कृष्ण देव का अलौकिक अभी और एक पॉइंट है यहां पर श्री राम कृष्ण देव का अलौकिक जीवन आदर्श यदि यथार्थ रूप में इस ग्रंथ में किंचित मात्र भी अंकित हुआ है तो वो उन्हीं की असीम अनुकंपा से संभव हो सका है। ये कोई नॉर्मल मॉडेस्टी वैष्णव की जैसी होती वैसी नहीं है। ये एक क्या है हम कह सकते हैं ये एक जीवन का तथ्य है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनकी इच्छा थी उन्हीं की कृपा थी कि सारे मानव जाति को पता चले इसलिए वो ऐसा हो गया। तथा जो कुछ असंपूर्णता एवं त्रुटियां रह गई हो रह गई है नहीं कह रहे रह गई हो इफ एट ऑल पर तैयार है उसके लिए। उनका एकमात्र कारण हमारे समझने की कमी तथा हमारी वर्णन शैली की अपरिपक्वता है। बंगाल में दूसरा शब्द है बड़ा सुंदर है वो हमारी समझने की और समझाने की कमी। मैंने कम समझ नहीं पाए होंगे पूरा और देखो समझ गए हो पर दूसरों को बताना एक साधन नहीं होता इसलिए उसको हिंदी में कहा कि वर्णन शैली की अपरिपक्वता। बंगाली में समझाने का सामर्थ्य समझने का और समझाने का हमारा सामर्थ्य कम पड़ गया। ठीक है ये एक महत्व की बात यहां बता दी कि हमारी गलती होगी तो उनको दोष मत देना
या पुराण मैंने बताया तो तुम साधना करके और जान लो। भविष्य में श्री राम कृष्ण देव के अमूल्य जीवन के प्रथम एवं अंतिम भाग का परिचय भी इसी भांति पाठकों को उपकार उपहार स्वरूप देने की हमारी अभिलाषा है। इतना बोल के छोड़ दिया। बाद में वो साधक भाव, बाल्य जीवन, दिव्य भाव, नरेंद्र, ये सारा लिखा है बाद में। अब हम सनातन वैदिक धर्म के साथ भावमुख दूसरी बार आ गया। हाँ, भावमुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव के अमो अगाध जीवन के निगूढ़ संबंध का विवेचन करते हुए स्वामी एकांत जी द्वारा निबद्ध सूत्रों को पाठकों के सम्मुख रखकर मूल ग्रंथ आरंभ करते हैं। तो ये जो स्वामी एकांत का जो प्रबंध है ना, इसको सूत्र कह दिया उन्होंने। इतना टर्स है ये, इतना टर्स है कि इसका एक वाक्य अंग्रेजी अनुवाद में तीन परिच्छेद हो गया, एक वाक्य, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। भगवान की इच्छा हुई तो लीला प्रसंग पूरा करने के बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि बहक जाएंगे जिस ढंग से स्वामी सारदान जी बता रहे हैं ना, तो इसलिए इसके बाद हम इसको छोड़ करके जहां ग्रंथ शुरू हुआ है वहां आते। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव पूर्वार्ध प्रथम अध्याय, बंगाली में देखो, उसके बाद अनुक्रमणिका आई, विषय सूची आई है। हाँ, उसको छोड़ करके आगे बढ़ो, उसको छोड़ करके फिर बहुत से फोटो आए हैं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ो। पेज नंबर देख लो क्या है, दिख रहा पेज नंबर? वो तुम्हारे पास हिंदी है, ठीक। देखो, इसके बाद हिंदू धर्म श्री राम कृष्ण बांग्ला में, और उसके बाद सूची पत्र, विस्तारित सूची पत्र, ये बहुत सारे पेज, फिर फोटो, और फिर, अरे फिर से पेज शुरू किया, एक पेज नंबर एक ही होगा, यानी इनको अलग पेज नंबर डाल दिए और पुस्तक शुरू हुआ वहां से पेज एक, ठीक है? श्री श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय श्री राम कृष्ण भावमुखी। अब भावमुख दूसरी तीसरी बार आ गए और बताना है आवश्यक है। यहां पर स्वामी सरदन जी ने भावमुख समझाने के लिए तीन चैप्टर खर्च किए, तो वो तो उनके सहारे हम पढ़ेंगे, फिर भी अब शब्द तीसरी बार आया है तो उसकी व्याख्या कर लेंगे, जो तीन अध्याय पढ़ के समझ में आएगा। देखो, आदमी आदमी लोग समाधि में गया, निर्विकल समाधि हो गई उसको, फिर वहां से जगत कल्याण के लिए उसका जीवन है, तो निर्विकल समाधि में नहीं रहेगा वो, वहां से नीचे आया। अब नीचे आया तो क्या हो गया, यानी भाव मुख का पहले शब्दिक अर्थ बता दू। भाव माने जो भी हम क्या पॉजिटिव कहेंगे, जो भी हमको अस्तित्व प्रतीत होता है उसका नाम भाव। स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, माने दुनिया में जितने पदार्थ हैं वो भी भाव, और मन के अलग अलग भाव होते हैं वो भी भाव, ठीक है? भाव माने ये पॉजिटिव एग्जिस्टेंस। मुख माने इसका सोर्स, मुख माने जहां से ये उत्पन्न होते हैं। गोमुख कहते ना हम गंगा जी आती, तो ऐसा ये भावमुख शब्द है। यानी ईश्वर को हम क्या कहते हैं, जगत उत्पत्ति का कारण है? वो भाव है। हम सारा जगत ईश्वर के मन में है, वहां से प्रकट हुआ है, तो इस तरह से पूरी दुनिया जहां से प्रकट होगी वह
मन युवा व्यक्तित्व ये भावमुख है और यही व्यक्तित्व उन्होंने गुरुवा में हमें सामने रखा है, इसी के लिए गुरुवा पहले लिया है। अब इस व्यक्तित्व में देखो कि सबको सब प्रकार से सिखा सकते कि नहीं, क्योंकि दुनिया के जितने लोगों के मन में जितने कल्पनाएं सब उनके पास है, तो कौन सा आदमी किस रास्ते से जा सकता है, वो कहाँ तक आया है, उसको आगे क्या करना है, ये सारा वहां देख रहे ना, ये उनका व्यक्तित्व हमारे सामने रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी अनुवाद में जो हेडिंग है ना, भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण, गलत नहीं है, पर बंगाली के अनुसार अगर करना है, बंगाली में श्री राम कृष्ण - भावमुखे, मैंने स्टडी करना है हमको श्री राम कृष्ण देव का, कैसी परिस्थिति में भावमुख, तो हिंदी में भी हम वैसा कर सकते हैं, श्री राम कृष्ण - भावमुख में। अब यहां पर शारदानंद जी ने एकदम लिखना शुरू नहीं किया, क्या किया, गीता के दो श्लोक हमारे सामने रख दिए। ये गुरुभाव पूर्जा अर्ध के हर चैप्टर के शुरू में गीता का श्लोक है, हर चैप्टर के शुरू में पूर्वार्ध में, ये गीता का सातवें अध्याय का श्लोक 12 और 13। मैंने गीता में सातवें अध्याय में सर्वे भी तो बताया ना, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, उसका एक भाव, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु मे त्वयि ते मयि त्रिभिर् गुणमयैर् भावैर् एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां एभ्यः परमव्ययम्। जो भी सात्विक भाव हैं, राजसिक हैं, तामसिक भी हैं, ये सारे मेरे से ही निकले हैं, ऐसा तू जान, मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ किया गया है कि मैं उनके अधीन नहीं हूं, मैं उन भावों के अधीन नहीं हूं, सत मैं उन गुणों के अधीन नहीं हूं, ते मई वो मेरे अधीन है। ये तीन गुणात्मक भावों से जगत सारा जगत मोहित हो गया है। मोहित शब्द अगले लाइन में चला गया है, इसलिए वो मुझे अच्छे तरह से नहीं जानता, न माम अभी जानाती, मुझे पूरी तरह से अच्छे तरह से नहीं जानता। क्या नहीं जानता, मैं इनसे परे एभ्या परम अव्ययम्, इनसे परे हूं और न बदलने वाला हूं, ये मेरा परभाव ये नहीं जानते मनुष्य। तो ये श्री रामकृष्ण का व्यक्तित्व है, यही भावमुख है कि सारे भाव मेरे से निकले, ये भावमुख हो गया, शब्दशः अर्थ ये हो गया।
पर मैं उनके अधीन नहीं हूं, मैं उनका मालिक हूं, वो मेरे अधीन चलते, यानी वो मैं उनका मालिक हूं ना, ये ठाकुर का व्यक्तित्व तो बताएंगे ही, ये भावमुख है। अब सवाल पहला यहां पर यह आएगा, मैंने कहा ना समझने और समझाने, तो समझने वाले को कुछ फिटनेस आवश्यक है। वेदांत में जैसे अधिकार होता है, ये एक महान शास्त्र है, और साधन जी से अगर हमें सीखना है तो कुछ बातें पहले से ध्यान में रखना आवश्यक है, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। यहां से शुरू किया उन्होंने, ऐसी रचना ऐसे टेक्निकल नहीं कि अब मैं अधिकार बताऊंगा, पर ऐसे शुरुआत है। तो पहली क्या बात है, श्री राम कृष्ण देव के उक्तियों के गंभीर तात्पर्य, ठीक है। देखो बंगाली में गंभीर भाव, ठीक है, गंभीर माने क्या, गहराई वाला, डी। अब गंभीर माने गंभीर हो जाते, इसको शब्दश अनुवाद करने के लिए गहराई वाला कहना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण देव की उक्तियों के, ठीक है, तात्पर्य बोला है ना, गंभीर शब्द हिंदी में चलता है कि नहीं, मराठी में हम सखोल कहेंगे इसको, इन डेप्थ, मैं सीधा बंगाली में जाकर के गंभीर लिख करके डिक्शनरी क्या कहती है, गंभीर मीनिंग इन इंग्लिश डी, अब ये हिंदी में अगर मिल गया कुछ तो शब्द, गहरा, हाँ बढ़िया है, बस ये ठीक है, बिल्कुल शब्द ठीक है, गहरा, हाँ सीधा शब्द है। हाँ श्री राम कृष्ण की ये देव की उक्तियों के गहरे तात्पर्य, हाँ अर्थ भी कह सकते हैं सीधा, तात्पर्य ये बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द नहीं है, हाँ ठीक है। अब एक घटना से शुरू किया है, प्रत्यक्ष घटना से एक नमूना बता रहे हैं उसका कि गहरा कैसे होता है। द्वादश वर्ष व्यापी अदृष्ट पूर्व अलौकिक तपस्या के बाद, पहले भावमुख शब्द ला रहे हैं पर, द्वादश वर्ष व्यापी अदृष्ट पूर्व अलौकिक तपस्या के बाद श्री जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण देव से कहा था, अरे तू भावमुख में रह, अब ये कब कहा था, कैसे कहा था, तात्पर्य क्या है, तीन बार कहा है उनको, तीन बार। अब पहली बार के बारे में कहते हैं कि वो रति के माँ कोई एक भक्त के रूप में आकर के माने उनसे ये बात की, दूसरी बार कहते हैं कि ब्रह्मा यानी ऐसा धुआं निकला, धुएं में से ऐसा पुरुष निकला
और उसने मुझसे कहा, वो वर्णन ब्रह्मा का लग रहा है, और तीसरी बार उन्हीं के मन में ही आया वो निर्विकल समाधि में 6 महीने थे, उसके बाद उनके उस मन में आया। अब मन में आया तो वो क्या कहेंगे, उनका मन नहीं है उस वक्त, माँ के मन के साथ एक ही चुका है, तो इसलिए माँ ने कहा। तीसरी बार जो आया सब्जेक्टिव नहीं है वो, पर ऑब्जेक्ट ऐसा बाहर से भी नहीं, माँ जब वो माँ के साथ एक है तब जो भी आएगा वो माँ से ही कहेंगे और कहाँ से कहेंगे, तो ये कहा है। अब इसका तात्पर्य क्या है, पहले द्वारका छोड़ दो, वो हल्दरी ने उन्हें परेशान किया था तब वो वहां निकले थे, हल्दरी के ये सब झूठ छोड़ो। तीसरी बार जो उन्होंने कहा तो वो निर्विकल समाधि में परमानेंटली रहूंगा इस तरह चले थे। अगर वो निर्विकल समाधि में ही रहते हैं तो हमारे काम किस आएंगे, अवतार प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, तब माँ ने यह कहा था कि तुझे बहुत नीचे आने की जरूरत नहीं है, साधारण मानव जैसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा समाधि में नहीं रहना, उससे थोड़ा नीचे सगुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर के रूप में रहना है। अब ठाकुर वहां से काफी नीचे हम लोगों की सतह तक आ जाते थे, पर इससे नीचे नहीं आ पाते थे, यानी जो अविद्या का राज्य है, स्वार्थ लोभ पैसा काम कांचन, यहां तक मन कभी नहीं आ सकता था उनका। पर विद्या माया का जहां तक राज्य है, यानी हमारा एक नॉर्मल जीवन और इसे ऊपर उठना, तो वहां तक उनका मन नीचे आ जाता था और हमको पकड़ करके वहां ले जाता था, तो उनका रहना कहां था, वहां पर भावमुख में, जहां से सारे जगत के सत्य का भाव बोला ना है, इसकी सृष्टि होती है वहां पर उनका परमानेंट रहना। वो कहां अभी बताया ना मैंने, अरे निर्विकल समाधि से नीचे जहां से जगत की उत्पत्ति होती है वो, अब उसको सगुण ब्रह्म को ईश्वर को भावमुखी क्यों न कहो, जो उनका शब्द है। मुझसे 2 प्रश्न पूछे गए इसके बारे में कि भावमुख हमारे शास्त्र में कहां मिलता है, मैं कहूंगा यही हमारा शास्त्र है, इसमें मिलता है। और दूसरा सवाल पूछा गया कि और कहीं तो हमने पढ़ा नहीं ठाकुर का, खाली संघ में पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं, कहीं नहीं पढ़ते तो कहां पढ़े, गॉस्पेल में मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा, और मिलेगा भाई शायद गॉस्पेल में हुआ भी कहीं, तो इसलिए हम शरद महाराज को फॉलो कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा 3 बार का वर्णन है, एक बार का नहीं, तो खैर इस झगड़े में नहीं पढ़ करके भावमुख समझाने के लिए ही तो यह वर्णन चल रहा है, तो अभी से क्या बता देंगे, ठीक है। यहां पर सवाल पहला आ रहा है कि गहराई में जाना पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है। पहले द्वादश वर्ष व्यापी अदृष्ट पूर्व अलौकिक तपस्या के बाद श्री जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण देव से कहा था, अरे तू भावमुख में रहे। मैंने प्रसंग बता दिया आपको, श्री राम कृष्ण देव ने भी उस आदेश का पालन किया था, यह बात अब प्राय सभी को विदित है, जाहिर हो गई थी तब। किंतु भावमुख अवस्था में रहना क्या वस्तु है और उसका अर्थ कितना गहरा है, यह समझना तथा समझाना अत्यंत कठिन है, ठीक है। सोमवार यहां से
ओम सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी श्रीरामकृष्ण मङ्गलकारी नमो नारायण भवदुःख नमो नारायण भवदुःख हारी।